हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको एक और बढ़िया से रेस्टोरेंट में लाए हैं। अभी हम कांके रोड में हैं और हम आए हैं आज गोकुल में। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ गोकुल रेस्टोरेंट, यहाँ का बहुत ही फेमस है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो रेस्टोरेंट है गोकुल रेस्टोरेंट, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी सर। ये देखिए, यहाँ पे एंट्री के साथ ही एक बहुत ही प्यारी सी गाय माता बनी हुई है और एक प्यारा सा क्यूट सा बछड़ा जो कि गाय माता का दूध पी रहा है। तो मुझे लगता है कि मिल्क से बना हुआ प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या है धोनी सर के इस स्पेशल रेस्टोरेंट में। तो अब हम लोग इंटर कर गए हैं और ये देखिए खुशबू भी आ गई है। काफ़ी स्पेसफुल है ना खुशबू? हाँ, काफ़ी स्पेसफुल है और काफ़ी क्लीननेस है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पर लगी हुई पेस्ट्री वगैरह, डोनट्स, पेस्ट्री और ये केक्स वगैरह भी लिखे हुए हैं साथ। सबके प्राइजेस वगैरह लिखे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो अगर आपको बेकरी का भी कोई भी आइटम लेना है तो आप आराम से गोकुल में आ सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर में ही रेस्टोरेंट है गोकुल का, तो वहाँ भी हम चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखिए बिस्किट्स है। हाँ, मेरी फेवरेट है बिस्किट ये येलो वाली। खुशबू को बहुत पसंद है, अभी हम लोग जाते हुए लेते जाएंगे इसको। और ये देखिए आइसक्रीम, ये आइसक्रीम है गोकुल का आइसक्रीम और शेक का ये लिस्ट है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या प्राइसिंग है इसमें और कौन कौन से यहाँ पे आइसक्रीम और शेक हैं। अगर किसी को गिफ्ट देना है तो वो भी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, बढ़िया लग रहा है। सही बात है, अगर किसी को गिफ्ट देना है तो यहाँ पे सब कुछ गिफ्ट हैंपर बना के रखा हुआ है, चॉकलेट्स और टॉफीज का है ना। इस साइड में आपको दही वड़ा मिल जाएगा गोकुल का स्पेशल दही वड़ा। ये देखिए यहाँ पे इनका जो दही वड़ा और राज कचौड़ी चाट वगैरह का सबका प्राइस लिस्ट है, तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिए। और एक इस साइड में साउथ इंडियन डिशेस का है, ये देखिए इडली वड़ा, मसाला डोसा, इन सब चीज़ों का है। ये देखिए बड़ा, सच में बड़ा बड़ा है, बड़ा सच में बड़ा बड़ा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गुलगप्पे भी है, राज कचौड़ी भी है, सब कुछ है। और ये देखिए इस साइड में भी मिठाइयाँ हैं। हम तो जिस टाइप का आपको मिठाई चाहिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए हैं अब, और ऊपर का एम्बियंस कुछ ऐसा है। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है रेस्टोरेंट का और बहुत ही प्यारी सी लाइटिंग है। तो ये देखिए खुशबू अब बैठने के इंतज़ार में है। तो चलिए अब इनका मेन्यू कार्ड देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं साथ साथ। ये देखिए मैं आपको आराम से दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए प्राइसिंग का, यहाँ पे क्या रेट्स हैं सब चीज़ों के। ये देखिए इस साइड में इनका तंदूरी वगैरह है। मैं आपको यहाँ का एक बार सीटिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में, जो इनका डेकोरेशन है इंटीरियर का है ना खुशबू? हाँ, बहुत ही अच्छा है। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और यहाँ का बहुत ही फेमस है रस माधुरी। हाँ, तो रस माधुरी भी हमने ऑर्डर किया है और देखते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। और मसाला डोसा बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था, मैं बहुत टाइम से मसाला डोसा नहीं खाया था और शायद खुशबू भी नहीं खाई थी बहुत टाइम से,
काफ़ी टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि चलो आज ये ट्राई करते हैं यहाँ का, देखते हैं कैसा होगा। तो आज हमने वही ऑर्डर किया है, और बाकी रस माधुरी तो है ही स्पेशल यहाँ का। तो मैंने यहाँ पे देखा कि नीचे में मिठाइयाँ और केक्स वगैरह मिलती हैं, और ऊपर में पूरा मेन कोर्स है, पूरा खाना है। तो बहुत अच्छा है इनका अरेंजमेंट, और जो अंदर का जो डेकोरेशन है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, है ना खुशबू? हाँ, बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अभी हमें जो यहाँ पे वेटर हैं उन्होंने बताया कि राज कचौड़ी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ की, तो हमने राज कचौड़ी को भी ऑर्डर कर लिया है। तो चलिए वेट कर रहे हैं अभी हम लोग। ये देखिए हमारा सब कुछ आ गया है, ये हमारा मसाला डोसा है, और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस रस माधुरी, और इसके बाद ये है यहाँ का बहुत ही फेमस, ये भी यहाँ का फेमस ही है, राज कचौड़ी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये सब देखने में। तो चलिए अब इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट, और बताते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ राज कचौड़ी, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी अच्छे से गार्निश किया गया है इसको, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के। ये क्या आलू है, दही बड़ा है ये। ओह वाह वाह, और पूरा नीचे में भी दही बड़ा है, दही है ये, और ये बड़ा है ऊपर में, गोलगप्पे के ऊपर में ये रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी डाले हुए हैं इसमें। हाँ, अनार वगैरह सब डाले हुए हैं। वाह, दही बड़ा ट्राई करते हैं। राज कचौड़ी के ऊपर में दही बड़ा जो है उसको टेस्ट करिए। खुशबू कैसा, खुशबू बहुत ही बढ़िया लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है इसमें से, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और जो मसाले हैं ना, अब मैं जो कचौड़ी है उसको ट्राई करती हूँ। राज कचौड़ी का कचौड़ी बड़ा वाला गोलगप्पे से बना है ये, मुझे ऐसा लग रहा है ना खुशबू, मतलब अलग ही एक वो है। अब मैं ट्राई करती हूँ राज कचौड़ी। कैसा है? बढ़िया है, लेकिन जो कचौड़ी था थोड़ा मुझे बढ़िया नहीं लगा, वो ठीक ठाक था, लेकिन दही बड़ा मुझे बहुत, जो ऊपर का ऊपर से जो गार्निशिंग किया गया था दही बड़े का, वो बहुत बढ़िया लगा, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो चलिए अब इसको टेस्ट करता हूँ मैं राज कचौड़ी को। खुशबू को तो ओके ओके लगा, और मैं पहले ही टेस्ट करता हूँ इसकी कचौड़ी को, जो राज कचौड़ी का कचौड़ी है स्पेशल। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, और इसमें बहुत कुछ है, पता नहीं चल रहा है क्या क्या है। तो चलिए टेस्ट करते हैं पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें जो ये कचौड़ी है, इसके साथ में दही बड़ा है, उसके साथ दही है, और ऊपर से अनार सेब ये सब डाला हुआ है, और अंदर में चने की सब्जी जैसा कुछ मुझे फील हुआ। एक तीखा और मीठा दोनों का बैलेंस्ड, एकदम बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन है, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए यहाँ का मसाला डोसा टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा उसका टेस्ट। ये तो बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है ये मसाला डोसा, तो चलिए टेस्ट करता हूँ इसको। ये प्लेन डोसा है, ये प्लेन डोसा के साथ ये सांभर को टेस्ट करता हूँ। सांभर थोड़ा पतला है लेकिन टेस्ट अच्छा है। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये डोसा ठंडा हो गया राज कचौड़ी टेस्ट करते करते, तो वो वाली फील नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा है। बाकी का खुशबू बताएगी आपको। अच्छा, तो अब मैं ट्राई करती हूँ और देखती हूँ कि टेस्ट में कैसा है। खुशबू आलू ढूंढ रही है कि आलू के साइड से टेस्ट करूँगी, और इसको शायद मिल गया है।
खाएंगे बिना सांभर के। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से बाउल में इसको सर्व किया गया है। देख लुकिंग वाइज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली हम लोग यहाँ का जब एनालिसिस कर रहे थे इसके यहाँ के बारे में, तो किसी ने सजेस्ट भी किया था यहाँ का रसमाधुरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अब खुशबू टेस्ट करके बताएगी आपको कि कैसा है इसका टेस्ट, है ना खुशबू? यस, अब मैं टेस्ट करती हूँ। इसमें दो पीसेज हैं। दो पीसेज है? हाँ, दो पीसेज है इसमें। देखने में तो बहुत ही यम्मी लग रहा है। दो दिन में मुझे लग रहा है मीठा मीठा खा रही हूँ मैं तो मिठाई से लग रहा है ज़्यादा प्यार होता जा रहा है। पहले कब इतना प्यार नहीं था, लेकिन अब ज़्यादा प्यार होता जा रहा है मिठाई से। कैसा है? बहुत बढ़िया। आप ट्राई करो, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बेस्ट लगा। अब देखते हैं इनको कैसा लगता है। अब ये ट्राई करेंगे और ये बताएंगे कि क्या मतलब इतना अच्छा है जितना अच्छा मैं बता रही हूँ कि नहीं, है ना? बिल्कुल। और मीठा चीज़ का तो मैं ही अच्छा रिव्यू दे सकता हूँ तो चलिए बताता हूँ आपको। वाव, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। चलिए टेस्ट करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, उससे भी अच्छा है, मज़ा आ गया खा के। ये मस्ती रिकमेंडेड है। आप गोकुल कभी भी आइए तो यहाँ का रसमाधुरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया लगा। इन तीनों चीज़ों में मुझे सबसे बेस्ट लगा ये रसमाधुरी। तो चलिए अब बिना देर किए फटाफट सब ख़त्म करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने राज कचौड़ी कंप्लीट कर लिया, मुझे बहुत मज़ा आया। तुम्हें खुशबू? मुझे भी। खुशबू को भी अच्छा लगा। इसलिए मिक्स करके अच्छे से खाने पीना, जब मिक्स करने पे उसका पूरा टेस्ट आता है। तो चलिए अब डोसा ख़त्म करते हैं। मुझे भी, है ना, बहुत ही बढ़िया लगा। तो आप यहाँ पर आए तो रसमाधुरी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया लगा हम लोगों को। बाकी सब चीज़ें ठीक थी। हाँ, बाकी सब चीज़ें मतलब अच्छी है, लेकिन अगर यहाँ पे आना है तो ज़रूर रसमाधुरी ट्राई करना है, बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया खा के, एकदम क्या ही कहना उसका। हाँ, बहुत ही बढ़िया लगा। तो अब ये देखिए बिल आ गया है और मैं आपको बिल दिखाता हूँ।
ये देखिए बिल हमारा 410 रुपीज़ का हुआ है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए जो रस माधुरी था उसका 90 रुपीज़ प्राइस था और मसाला डोसा का 160 और राज कचौड़ी का 120 रुपया और पानी का बोतल का 20 रुपीज़। तो ये सारा करके GST ऐड करके 410 रुपये हुआ। तो चलिए मैं बिल पेड कर देता हूँ। हमारे साथ आकाश सर हैं जो कि यहाँ के मैनेजर हैं। और आकाश सर, धोनी सर यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं जी। ब्रांड एम्बेसडर हैं और जो हमारे बॉस हैं, जो हमारे MD हैं, अच्छा, उनके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड भी हैं। उससे जब भी आना होता है तो मिलना वो सब हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ, जगह जगह पर मैं देख रहा हूँ फोटोज़ वगैरह लगे हुए होंगे। तो और ये जो मिल्क प्रोडक्ट है वो कैसे धोनी सर के फार्म हाउस से आता है सारा? जितना भी सारा मिल्क है ना, जैसे जितना ही मिल्क प्रोडक्ट बनता है, जैसे मलाई चौक का आइटम हो गया अपना, रस माधुरी, रस मलाई, इवन के रसगुल्ला भी सारा मिल्क से ही बनता है, छेना से। तो जो भी दूध आता है उनके फार्म हाउस से ही दूध आता है। क्या बात है, बनता है, क्या बात है। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी सर के यहाँ का दूध अगर आपको, मैंने दूध से बना हुआ प्रोडक्ट आपको टेस्ट करना है तो गोकुल में आइए। और टाइमिंग क्या है सर यहाँ? टाइमिंग जैसे 7:30 में ओपन होता है मॉर्निंग में और रात को 11 बजे क्लोज होता है। तो 7:30 बजे सुबह से लेकर रात के 11 बजे तक कभी भी आइए और यहाँ के अच्छे अच्छे डिशेज का एंजॉय, लुफ्त उठाइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सर। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।